और इस वीडियो में जो चौथा आइडिया है उसको आप खास तौर पे जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी यूज नहीं किया। अभी हाल ही में एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं मेरे एक दोस्त से मिला, मिस्टर अनिल नारंग, और उन्होंने ये खास पॉइंट वहां उस कॉन्फ्रेंस में बताया था। मैंने वो पॉइंट अनिल नारंग जी से सीखा और आज मैं चौथे पॉइंट में उसको जरूर बताऊंगा। वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ अकेडमी, और दिल से शुक्रिया आप सबके प्यार का, सपोर्ट का, और आप सबके हजारों कमेंट्स हमारे को यूट्यूब पे आ रहे हैं जो ये नई सीरीज है आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर रही है। तो इस सीरीज में आज ये चौथा वीडियो है और ये बहुत डिमांड है इस वीडियो की जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ग्रोथ अकेडमी, ये हमारी ब्रांड न्यू फ्री यूट्यूब वीडियो सीरीज है, अगर आपने इसके पहले 3 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं, देन आई अर्ज यू इस आज की वीडियो को देखने के बाद उन 3 को भी जरूर देखिएगा। और अगर अपनी आप पूरी टीम को एक कमाल की ब्रांड न्यू नेटवर्क मार्केटिंग फ्री ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो देन दिस सीरीज इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज। सो शेयर दिस वीडियो विद एवरीबडी इन योर टीम एंड इट विल हेल्प यू ग्रो फास्टर एंड ग्रो बिगर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोगों को लेकर आना ये मुश्किल काम है, लेकिन जिन लोगों के साथ कुछ लोग आ गए, बोले तो उनकी टीम में 2, 4, 5, 10, 15, 50 या 100, 200 लोग आ गए, अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे लोगों को लाना तो मुश्किल है लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है लोगों को एक्टिवेट करना, उनको वर्किंग एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स बनाना, लोगों को रिटेन कर पाना, लोगों को काम करने के लिए तैयार कर पाना, ये सबसे मुश्किल काम है। और अक्सर मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे लोग हमारी टीम को छोड़ कर ना जाएं, हमारे साथ बने रहें और एक्टिव बिजनेस को बिल्ड करें। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 4 आइडियाज टू रिटेन योर पीपल। 4 आइडियाज, 4 ऐसे कमाल के बेहतरीन आइडियाज जो आपकी मदद करेंगे अपनी टीम को बांध के रखने में, अपने साथ बनाए रखने में। और इस वीडियो में जो चौथा आइडिया है उसको आप खास तौर पे जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी यूज नहीं किया। अभी हाल ही में एक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं मेरे एक दोस्त से मिला, मिस्टर अनिल नारंग, और उन्होंने ये खास पॉइंट वहां उस कॉन्फ्रेंस में बताया था। मैंने वो पॉइंट अनिल नारंग जी से सीखा और आज मैं चौथे पॉइंट में उसको जरूर बताऊंगा। तो इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड इट विल गिव यू 4 क्विक आइडियाज एंड प्रूवन सॉल्यूशंस जिससे आपकी टीम आपके साथ बनी रहेगी, आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपकी टीम कमाल का काम करेगी। पहला आइडिया है टोटल प्रोडक्ट यूज। हर वो सामान जो आपकी कंपनी बनाती है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके टीममेट्स, आपके एसोसिएट्स उन्हें यूज करने चाहिए। दिस इज एब्सोल्यूट। इसको आप एक परम सत्य या इसको आप एक सिद्धांत की तरह अपनी टीम में, अपने कल्चर में बनाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत होगी आपसे। चाहे आपकी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करती है, या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, या मे बी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, व्हाटएवर इट इज, हर वो प्रोडक्ट जो आपकी कंपनी बनाती है आप उसके नंबर वन यूजर और नंबर वन एम्बेसडर होने चाहिए। कौन? आप खुद। जब आप करना शुरू करेंगे आपकी टीम फॉलो करना शुरू करेगी। एंड रूल इज वेरी सिंपल, अगर आपकी टीम को प्रोडक्ट्स पसंद आए तो वो यूज करेंगे तो रिपर्चेसिंग आपकी टीम में ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और एक और खास बात, लोग तभी प्रोडक्ट यूज करते हैं जब वो उनसे खुश होते हैं, और खुश लोग छोड़ के नहीं जाते। और एक और फायदा, आपके प्रोडक्ट्स को लोग रिकमेंड कब करेंगे? जो नेटवर्क मार्केटिंग का मूलभूत सिद्धांत है, आधार है, वो क्या है? यूज एंड रिकमेंड। पीपल विल रिकमेंड ओनली व्हाट दे यूज। If they use the products, they get some results. If they like it, then they will recommend it. और recommend करेंगे तो sales शुरू हो जाएगा। और एक बार उन्होंने sales करना शुरू कर दिया, recommendation करना, referral करना, share करना शुरू कर दिया, then they will automatically become active business builders. So product use is number one thing you need to focus on. तो अगर आपको लोगों को अपने साथ जोड़े रखना है और active business builder बनाना है तो दूसरा काम आपको क्या करना है? Give them the best environment.
उनको बेस्ट माहौल दीजिए, बेहतरीन शानदार माहौल दीजिए। अगर लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी टीम के वातावरण को, टीम के एनवायरमेंट को पसंद करते हैं, वो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आपकी टीम में एक ऐसा कल्चर बनाइए, आप ऐसा वैल्यू सिस्टम डेवलप करिए, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इवेंट, ऐसा एनवायरमेंट बनाइए कि परिवार के परिवार जुड़े रहें। जब परिवार जुड़ने लगते हैं तो फिर वो लोग बिजनेस से बाहर नहीं जाते हैं। केयर फॉर पीपल, लव योर पीपल, अपलिफ्ट योर पीपल, डोंट ब्लेम, डोंट डू लेग पुलिंग्स, डोंट डू पॉलिटिक्स इन योर टीम। आई सी सम अप्लायंस जो सिर्फ मना ही करते रहते हैं। अब कुछ अप्लायंस हैं जो सिर्फ चौकीदार का, मैनेजर का और बॉस का ही काम करते रहेंगे, ये मत कर, वो मत कर। एक अप्लायंस क्या चाहता है, दिल से बताइए आप। बींग एन अप्लाइन, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा होती थी जब मैं 2007, 8, 9, 10, 12, 15 में इस बिजनेस को एक्टिवली बिल्ड करता था, कि मेरी टीम में एक्टिव बिजनेस बिल्डर्स हों, इंडिपेंडेंट लीडर्स बने और इस बिजनेस को कमाल का करें, मेरी शर्तों पे करें। ये बहुत गलत बात है, राइट? सो अपनी शर्तें मत थोपिए, अपनी अथॉरिटी मत थोपिए लोगों पे, अपनी शर्तें, अपने रूल्स, डिक्टेटर मत बनिए, तानाशाह मत बनिए, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। लोग इस बिजनेस में जॉय के लिए आए हैं, हैप्पीनेस के लिए आए हैं और अपनी शर्तों पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, राइट? सो यू नीड टू गिव देम द राइट एनवायरमेंट, यू नीड टू गिव देम फ्रीडम, यू नीड टू गिव देम केयर, यू नीड टू गिव देम लव, यू डोंट नीड टू जज देम, यू नीड टू गिव देम ए गुड वैल्यू सिस्टम, देन पीपल विल नेवर लीव यू। तीसरी चीज़, ये मैंने मेरी किताबों में लिखी है, मेरी तीनों किताबों में इसका जिक्र है, मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसकी बात करता हूँ, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज में इसकी बात है, राइट टेक ऑफ सिस्टम, राइट टेक ऑफ सिस्टम। नियम बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, वेल बिगिन इज हाफ डन, अगर शुरुआत सही हो जाए तो समझो आधा काम बन गया। सो यू नीड टू क्रिएट अ सॉलिड सिस्टम, रॉक सॉलिड, सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए। आपको अपनी टीम के लिए एक राइट टेक ऑफ सिस्टम डेवलप करना चाहिए। जब लोग बिजनेस में आए तो कौन कौन से 3 वीडियो भेजने हैं पहले 24 घंटे में, फिर एक हफ्ते के दौरान क्या क्या करना है, फिर अगले 15 दिन में क्या होना चाहिए, अगले एक महीने में क्या होना चाहिए, कौन कौन से इवेंट उनको अटेंड कराने हैं, हम लोगों को क्या करेंगे आप अपने नए एसोसिएट्स के साथ। आपकी टीम के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपका जो पोटेंशियल है ना, जो रैंक और इनकम आपको मिलनी चाहिए, आप उसका 5% कर रहे हैं। आप मेरी रिकमेंडेशन मानिए और आप एक बार मेरे इवेंट में आ जाइए, लाइव इवेंट में, UCY में। साल में सिर्फ ये 2 बार होता है, मुझे नहीं मालूम आप पिछली बार थे या नहीं थे, और अगर आप थे तो आपकी टीम में कितने लोग थे। आप नवंबर को, 25, 26, 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाले इस 3 दिन के नेटवर्क मार्केटिंग के महाकुंभ UCY अनलीश द चैंपियन इन यू में आइए, आप देखिए आपकी टीम के साथ क्या होगा। आपकी टीम में जब लोग आएंगे तो वो अलग इंसान होंगे, 3 दिन के बाद जब आप उन्हें लेके वापस ट्रेन में और फ्लाइट में जाएंगे तो वो एक अलग इंसान बन के निकलेंगे। और जो एक मेन चीज़ मैं उन्हें सिखाता हूँ वो क्या है, इस बिजनेस को दिल से करना, कमिटमेंट से करना, अपने दम पे करना, इंडिपेंडेंट लीडर बनना, और एक सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किसी को ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए और सिस्टम होना क्या चाहिए। लाइक नेटवर्क मार्केटिंग में आप मानिए एक पूरा सिलेबस जैसा रहेगा, 100 पेज की एक वर्कबुक होगी जिसपे आप और आपकी पूरी टीम काम करेगी। आपके जितने भी लेग्स हों इस बिजनेस में इस समय, जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, आप अगले कुछ महीने और कुछ हफ्ते सिर्फ एक काम करिए, उनको UCY में लाने के लिए तैयार करिए। मेरी टीम आपकी मदद के लिए है, आई मीन वी विल हेल्प यू ग्रो लाइक क्रेजी इन दिस बिजनेस। आप बोलेंगे एक लाइफ UCY से पहले, एक लाइफ है UCY के बाद। और ये कोरोना का समय था जब हमने इस इवेंट को मार्च में किया था, 11, 12, 13 मार्च को दिल्ली में। दुनिया के 6 देशों से 2000 लोग आए थे और शायद ही ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो जिसके एसोसिएट वहाँ पे ना हो। 100 से ज़्यादा अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लोग थे, अलग माहौल था, अलग एनर्जी थी। इफ़ टीम रिटेंशन इज़ योर प्रॉब्लम और आप पिछले 6 महीने साल भर में सब ट्राई कर चुके हैं तो ये एक लास्ट ट्राई मेरी तरफ से आप ज़रूर करिएगा। गेट देम टू UCY, अनलीश द चैंपियन इन यू। उसके बारे में और जानना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए रहेंगे, यू कैन फाइंड आउट। बट अपनी टीम को संभालना बहुत ज़रूरी है और उनको एक राइट टेक ऑफ सिस्टम देना बहुत जरूरी है। दिस इज नंबर 3 थिंग यू नीड टू डू माय फ्रेंड्स। एंड नंबर 4 एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, आई गॉट दिस फ्रॉम माय फ्रेंड मिस्टर अनिल नारंग, राइट? ही सेड दिस, टीच देम समथिंग दैट अपलिफ्ट्स देयर लाइफ। आपकी टीम में जब लोग आए तो उन्हें BVPV जनरेटिंग मशीन मत समझो कि ये आ गया अब ये प्रोडक्ट सेल करेगा मुझे पैसिव इनकम आने लगी। ये एटीट्यूड बहुत गलत है नेटवर्क मार्केटर्स का। इस एटीट्यूड को आपको आज की आज अभी के अभी छोड़ देना चाहिए कि मेरी टीम ना सिर्फ एक
मशीन है, एक फैक्ट्री है जो पीवी और बीवी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने जनरेट करती रहेगी। नो 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 माय फ्रेंड, दिस इज द बिगेस्ट। में आपकी टीम कोई एटीएम मशीन नहीं है जो पीवी और बीवी जनरेट करती रहे, जा के प्रोडक्ट सेल करती रहे। यू नीड टू वैल्यू योर पीपल। और आप उनकी वैल्यू कैसे करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा आप अपनी टीम के लोगों की कद्र करते हैं। उन्हें कुछ ऐसा सिखाइए जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए, उनकी जिंदगी को अपलिफ्ट करे। देखिए, मैं पिछले 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूं, 17 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग किया है, 50 से ज्यादा देशों के लोग मेरे ऑनलाइन कोर्सेस या लाइव इवेंट में ट्रेनिंग ले चुके हैं। और मैंने एक चीज साफ साफ समझी है, गुड पीपल विल डू गुड बिजनेस। अच्छे लोग ही अच्छा बिजनेस करते हैं, और आपकी जिम्मेवारी है लोगों को अच्छा बनाना, बेहतरीन बनाना। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ सिखाते हैं जिससे उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होता है, और आप ये लगातार बार बार करते हैं, अगर लोग आपके साथ 6 महीना जुड़े हैं, 1 साल जुड़े हैं, और वो अलग इंसान बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है उनके जीवन में, दे विल नेवर एवर लीव यू माई फ्रेंड्स, राइट? सो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम and develop a system so that you can give these 4 things to people. तो 4 चीज़ें मैंने आपसे कही, अगर आप अपनी टीम में लोगों को अपने साथ रोके रहना चाहते हैं, दिल से लोग जुड़ें और एक्टिव बिजनेस बिल्डर बने, तो ये 4ों करिए। नंबर 1, टोटल प्रोडक्ट यूज़। नंबर 2, उन्हें एक बेहतरीन माहौल दीजिए, राइट? नंबर 3, वेरी सिंपल, अपनी टीम में जो नए लोग आए उनके लिए एक बढ़िया टेक ऑफ सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम बनाइए। और नंबर 4, अपने टीम के हर एसोसिएट को ऐसा कुछ सिखाइए जो उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऊपर करे। और एक सबसे बड़ी गलती जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं, वो इस बिज़नेस में आ जाते हैं और उन्हें लगता है मुझे सब पता है बस। देखिए, ये ना 2022 और इसके बाद का नेटवर्क मार्केटिंग इज़ न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग। इस शब्द को आप इधर बैठा लीजिए, इट्स न्यू एज नेटवर्क मार्केटिंग। और ये पुराने तरीकों से, पुराने आइडिया, स्ट्रैटेजी, स्किल्स और टूल्स से होने वाली नहीं है। समय बदल गया है, सोशल मीडिया का समय है, टेक्नोलॉजी बहुत फैल गई है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। सो यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन टू लर्निंग दिस बिजनेस। पता क्या होने वाला है अब कुछ दिनों में, छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, आपके बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराना है, आप क्या ढूंढेंगे? कोई भी स्कूल ले आओ, मैं कहीं भी भेज दूंगा, या फिर आप एक बेस्ट स्कूल ढूंढेंगे, यू विल लुक फॉर अ बेस्ट स्कूल। आपको एक डॉक्टर ढूंढना है आपके बच्चों के लिए, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे या बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे? आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको अपना घर बनवाना है, आप बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढते हैं। बच्चे की ट्यूशन के लिए बेस्ट टीचर ढूंढते हैं। अपने लिए बेस्ट लॉयर ढूंढते हैं, बेस्ट सीए ढूंढते हैं, बेस्ट टीचर ढूंढते हैं, बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं। तो मेरे दोस्त, याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी ये होने लग गया है कि लोग उस लीडर के साथ जुड़ने लगते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन अचीवमेंट रखता है, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जिसके साथ जुड़कर उन्हें लगे कि हमारा भविष्य सिक्योर है। तो अब अगर आपको इस बिजनेस को सच में 2022, 23, 24 में करना है ना, देन यू नीड टू इन्वेस्ट into learning this business, right? You need to become a better version of you, right? So these are the 4 things. Follow these 4 things and build this business with a long-term vision and passion. और इस business को education और ethics की foundation पे आप खड़ा करिए। मुझे विश्वास है आप कमाल का business खड़ा करेंगे। इस business में आगे जाने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध है, और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। I have one dream. I want to see you at the top. चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। See you there in UCY.